झारखंड में खगड़िया जिले के पुलिस कप्तान अमितेश कुमार ने बेलतौर थाना पहुंचकर थाना क्षेत्र में हो रहे आपराधिक घटनाओं के बारे में अपने अधीनस्थ कर्मियों से बारीकी से पूछताछ की। बीते 6 दिसंबर के अहले सुबह टहलने के दौरान बेलतौर पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सह जेडीयू नेता नरेश राम की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। इस मामले को लेकर जिले के पुलिस कप्तान ने मृतक की पत्नी बेबी देवी और मृतक नरेश राम के साथ में जो शिक्षक टहलने गया था उन दोनों से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। उक्त शिक्षक को बुलाकर उनसे भी गहन पूछताछ की गई। जिले के पुलिस कप्तान ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है, आइए देखें। सर, हत्याकांड में अभी तक क्या सब बातें आई हैं सामने? एक जो पंचायत समिति पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश राम जी की हत्या हुई थी, बहुत ही जघन्य तरीके से गोली मार के हत्या की गई थी। इसमें गुप्त सूचना के आधार पर, हालांकि परिवार का पहले तो परिवार कुछ भी कहने से जो है इनकार कर रहा था और प्राथमिकी भी जो दर्ज की गई है वो अज्ञात के विरुद्ध की गई है परिवार वालों द्वारा, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर उसी रात में पुलिस ने जो है कुछ कार्रवाई की थी, जिसमें जो है अभी पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। 4 लोगों ने अपनी जो है संलिप्तता भी स्वीकार की है। इसमें से 2 ऐसे हैं जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है और अभी भी शेष बचा हुआ एक अभियुक्त है जो कि बहुत ही अहम इसमें रहा है पूरे घटनाक्रम में, जो कि हमारी जो डिजिटल एविडेंस कलेक्शन है इससे भी हमें यही पता चल रहा है। और मुझे लगता है कि इस जो एक शेष अपराधी है इसकी गिरफ्तारी के बाद और कुछ खुलासे होंगे जो है, और कुछ आशा है कि इसके बारे में जो अभी जो कारण पता चल रहे हैं हत्या के उसमें भी कुछ जो है और कारण का खुलासा होगा। सर, वेपन जो हथियार है वो सब बरामद हुआ क्या? नहीं, वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जांच एक इस तरफ इशारा कर रही है कि जो एक जो शेष अभियुक्त है जो कि उसी दिन घटना के बाद से फरार चल रहा है, उसी ने जो है अहम रोल अदा किया है, जो एक शूटर का काम आप कह सकते हैं उसी ने किया है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है उसकी गिरफ्तारी के पश्चात हमें कुछ ऐसी रिकवरीज होंगी जिससे हमें उम्मीद है कि हम जो है एविडेंस कलेक्ट करके जल्द से जल्द जो इसके लिए दोषी हैं उसको सज़ा दिलवा पाएंगे और हम ये इस केस को जो है स्पीडी ट्रायल में डाल करके ये कोशिश करेंगे कि त्वरित विचारण हो इसका और जो है दोषियों को सज़ा मिले। सर, आम आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ जो हत्या के मामले होते हैं, खास करके इस तरह के जो एक षड्यंत्र के तहत की गई हत्या होती है, इसमें एक जिम्मेदारी, एक नैतिक जिम्मेदारी समाज की ओर से बनती है कि आप अपने बीच में अपराधियों को पनपने नहीं दीजिए। आपको अगर जानकारी मिलती है कि कुछ जो है आपराधिक तत्व के लोग आपके गांव में कुछ दिनों से आए हैं, कुछ आपके गांव के लोगों से उनका मिलना जुलना हो रहा है अपराधियों का, पूर्व के अपराधियों का, तो आप इसके बारे में चुप्पी मत साधिए, आप पुलिस तक सूचना पहुँचाइए। बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि इस घटनाक्रम में भी कुछ सूचना जो हमें अभी मिल रही है वो सूचना हमें पहले भी मिल सकती थी, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि जो है पुलिस को आकर के सूचना दी जाए। हम ये विश्वास दिलाते हैं सभी को कि ऐसी कोई सूचना देने पर, किसी घटना के बारे में कोई सूचना देने पर पूरी गोपनीयता रखी जाएगी उस सूचना देने वाले की, और रखी भी जाती है तभी जो है अपराधियों की गिरफ्तारी होती है। तो इसमें समाज की ओर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हत्या जैसे जो घर में बैठे बैठे हत्याएं होती हैं, जैसे बीते दिन बिलदौर में हुआ कि पत्नी ने अपने पति का गला रेत करके हत्या कर दिया, इसके लिए जो है आप जो घर के अंदर के अपराध हैं उसके लिए आपको समाज की ओर से जो है ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का विवाद चल रहा है, अगर पति पत्नी में विवाद था तो किस तरह का विवाद था, क्यों था, कोई बाहर वाले का उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट था तो क्यों था, ये सब की सूचना पुलिस को ससमय मिले तो हम अपराध में विराम लगाने पर, अपराध को नियंत्रित करने पर हम लोग साक्षर कदम उठा सकते हैं। चौधरी मुखिया पति मोहम्मद खुसर अली हत्याकांड के लगभग एक फार बीतने को है, लेकिन मुख्य आरोप अभी फरार चल रहा है। बिल्कुल, ये जो चोरली में जो मुखिया पति की हत्या हुई थी, और सबसे हैरत की बात ये कि 50 लोगों की एक पंचायत के दौरान गोली चली और जो है उनकी हत्या की गई, और
उस दिन लगभग घटना के 24 घंटे तक पुलिस को कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने कई लोगों से बात की, कई लोगों से फ़ोन के माध्यम से बात की, विश्वास दिला के बात की, लेकिन किसी ने नाम नहीं बताया। फिर जो है एक एक करके गुप्त सूचना के आधार पर और अब जो है खुले तौर पर कुछ लोग अपराधियों का नाम और ये सब बता रहे हैं। दोनों जो अपराधी, जो मुख्य दो अपराधी हैं, वो दोनों अभी फरार चल रहे हैं गांव से और उनका दोनों का पूर्व अपराधी का इतिहास है। बहुत जल्दी ही उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और ये जितने जो जनप्रतिनिधि से की हत्या से संबंधित मामले हैं ये सरकार के लिए बहुत ही विशेष और अहम है और इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए इन सभी को त्वरित विचारण की श्रेणी में रख करके जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि हमारी एविडेंस कलेक्शन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, अच्छे एविडेंस न्यायालय में समर्पित करें जिससे जो है दोषियों को सजा दी जा सके। सर, आगजनी वाला मामला दिघान की है, क्या है उस पर सर, क्या क्या होगा सर? आगजनी वाला मामला जो है उसके बारे में थोड़े कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे जो लग रहा है कि हो सकता है कि ये कुछ डाउटफुल केस लग रहा है मुझे। जी, लेकिन इस पर और जाँच के लिए हमने SDPO को बोला है, कुछ और हमें गवाही उसमें जो है कुछ लोगों का बयान चाहिए होगा तब हम कुछ तथ्य पे आ पाएंगे। सर, दूसरा सर, चोरली में ही एक छात्र था PR आनंद, आज से 2 वर्ष पूर्व लापता हो गया था, उसके जांच को लेकर SIT गठन की गया लेकिन आज तक उस मामले में तरक्की नहीं आ सकी है। हम उसका पता लगा लेते हैं, जो SIT गठित हुई है आपके सूचना आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली इसके लिए धन्यवाद। मैं तुरंत जो है उसको भी चेक कर लेता हूँ कि उसकी गति कहाँ तक पहुँची है, उसका अनुसंधान कहाँ तक पहुँचा।